to Jesus tonight. 35 years he could not walk. Now he is walking. Your sorrow can turn into joy. Today I am going to meditate upon the word that is in 2 Corinthians 5:14. आज हम उस वचन पर मनन करेंगे जो दूसरा कुरिन्थी 5:14 में पाया जाता है। There the Bible says Christ's love compels us. वहाँ बाइबल कहती है परमेश्वर का जो प्रेम है वह हमें विवश करता है। This worldly love cannot help you. ये जो सांसारिक प्रेम है वह आपको संतुष्ट नहीं करेगा। But then if you choose God as your Valentine, He can guide you and give you success. लेकिन अगर आप परमेश्वर को अपने वैलेंटाइन के रूप में चुने तो वह जो है आपको सफलता दे सकता है। Secondly, how does God love compels us? दूसरी बात, परमेश्वर का प्रेम हमें कैसे विवश करता है उसे हम देखेंगे। As the Bible says in John 13:34. जैसा कि बाइबल में यूहन्ना 13:34 में लिखा हुआ है, The Lord says, I give you a new command. प्रभु कहता है मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। Love one another. एक दूसरे से प्रेम करो। As I have loved you. जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे तुम दूसरों से प्रेम करो। So you must love one another. इसलिए आपको एक दूसरे से प्रेम करना है प्रियो। God says, as I loved My father. प्रभु कहता है कि जैसे मैंने अपने पिता से प्रेम किया And as I have loved you, और जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है you should also show love to one another. तुम्हें भी एक दूसरे से प्रेम जताना है। I know the Lord will help you to love one another. मैं जानता हूँ प्रभु आपको सहायता करेंगे कि एक दूसरे से आप प्रेम करने पाएं। When I lost my loved ones, जब मैंने अपने प्रियो को खो दिया मेरे प्रियो I said, Lord, where am I going to Go without the love of my dear ones. तो मैंने कहा प्रभु जी अपने प्रियों के बगैर मैं इस संसार में कहां जाऊंगी? Lord, somehow compensate every loss in my life. प्रभु जी किसी तरह से मेरे जीवन की हर एक हानि को आप क्षतिपूर्ति करें। I don't have parents to love me. अब मेरे पास माता पिता नहीं जो मेरे से प्रेम करें। But then pour out your love upon me, Lord. लेकिन प्रभु आप अपना प्रेम मेरे ऊपर में उंडेल दें। And when the Lord came upon me with all His love, और जब परमेश्वर अपने पूरे प्रेम के साथ मेरे ऊपर आया, His love not only strengthened me to live my life, न केवल उसके प्रेम ने मेरी सहायता की कि मैं अपना जीवन अच्छे से जी पाऊँ, but His love made me to love others. लेकिन उसके प्रेम ने मेरी सहायता की मैं औरों से भी प्रेम करूँ. Even my own parents, they did not expect me to. Love and serve God. यहाँ तक कि मेरे स्वयं माता पिता अपेक्षा नहीं करते थे कि मैं ईश्वर से प्रेम करके उसकी सेवा कर पाऊंगी। After I got married, even my husband and my husband's parents said, "You need not serve the Lord." मेरे विवाह के बाद मेरे पिता माता पिता और उन्होंने कहा कि तुम्हें परमेश्वर की सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। You can be in a house just like a daughter to us. तुम बस एक पुत्री की तरह हमारे घर में रह सकती हो। My husband's parents said that. मेरे पति के माता पिता ने मुझे यही कहा। They never expected me to serve the Lord. उन्हें कभी अपेक्षा नहीं की कि मैं ईश्वर की सेवा करूंगी। But then God's love compelled me to serve Him. लेकिन परमेश्वर के प्रेम ने मुझे विवश कर दिया कि मैं उसकी सेवा करूं। His love made me to love others. उसके प्रेम ने मुझे औरों से प्रेम करने के लिए विवश किया। Even I did not believe that I'm going to serve the Lord. मुझे भी विश्वास नहीं हुआ कि मैं परमेश्वर की सेवा करने वाली हूँ। I said I am so weak. मैंने कहा मैं तो बहुत कमजोर हूँ। How am I going to minister? मैं कैसे सेवकाई करूँगी? But then God's love did not leave me. लेकिन परमेश्वर के प्रेम ने मुझे नहीं छोड़ा प्रियो। He forced me to minister. उसने मुझे विवश कर दिया कि मैं उसकी सेवा करूँ। He moved my heart to love others. उसने मेरे हृदय में और उससे प्रेम करने के लिए प्रेरणा दी। And whenever I would pray for others, और जब भी मैं औरों के लिए प्रार्थना करती, He would pour His love upon the people. वो अपने प्रेम को लोगों के ऊपर में उंडेलते हैं।
This is the love of God, dear friends. मेरे प्रिय मित्रों, यही तो परमेश्वर का प्रेम है. Can he not do that for you, my dear friends? क्या वो आपके लिए ऐसा नहीं कर सकता, मेरे प्रिय मित्रों? My dear young people. मेरे प्रिय जवानों. Arise. उठिए. Arise. उठिए. And love others with the love of God. और औरों को परमेश्वर के प्रेम के साथ प्रेम करिए. We are in the last days. हम तो अंतिम दिनों में है प्रियो. God is going to come as a thief. परमेश्वर जो है एक चोर की तरह आने वाला है. God is going to come when we are not expecting him to come. प्रभु जो है जब हम उसकी अपेक्षा नहीं करते कि वो आएंगे, उस समय आने वाले हैं प्रियो. God's second coming will happen suddenly. अचानक ही उसका द्वितीय आगमन होने वाला है. Are you ready to serve him? क्या आप उसकी सेवा करने के लिए तैयार हैं? Are you ready to live for him? क्या आप उसके लिए जीने के लिए तैयार हैं? Are you ready to carry the love of God? क्या आप परमेश्वर के प्रेम को औरों तक ले जाने के लिए तैयार हैं? As the Bible says in John 21. यूहन्ना 21 में जैसे प्रभु का वचन कहता है. Jesus appeared to disciples for the third time. और अपने चेलों को वो तीसरी बार जब उन्हें दर्शन दिया. And he was there by the sea of Tiberias. उस समय वो तिबरियास झील के किनारे पर थे. He cooked fish for the disciples. उन्हें चेलों के लिए मछली पका करके रखी थी, भून करके रखी थी. With all his love he cooked by his own hand. अपने ही हाथों से बड़े प्रेम से उसने अपने चेलों के लिए मछली बनाई. He fed the disciples. और उसने अपने चेलों को तृप्त किया, उन्हें भोजन कराया. And he made Simon Peter to catch 153 fishes. और उन्हें शिमोन पत्रस से 153 बड़ी मछलियां पकड़वाई. Jesus fed them and blessed them. यीशु ने उन्हें तृप्त किया और उन्हें आशीष दिया. The net was full of large fishes. उनका जो जाल था वो तो बड़ी बड़ी मछलियों से भरा हुआ था. This he did that just to make them to serve the Lord. और ये उसने बस इसलिए किया कि वो प्रभु की सेवा करें. The same thing he did in my life also. मेरे भी जीवन में उसने बिल्कुल ऐसा ही किया है मेरे प्रियो. After I lost my mother and father and my brother. मेरी माँ, मेरे पिता और मेरे प्रिय भाई को खोने के बाद. The Lord did not leave me to sit and cry. तो परमेश्वर ने मुझे ऐसे ही नहीं छोड़ दिया कि मैं बैठ करके बस रोती रहूं. He was going on blessing me. वो मुझे आशीष देता रहा. He compensated every one of my loss. उन्हें मेरे एक एक क्षति को पूरा किया, जो कुछ मैंने खोया था उसे पूरा किया. Only after that he started to use me in the ministry. और उसके बाद ही वो मुझे अपनी सेवकाई के लिए काम में लाने लगे. He satisfied me with his blessings. अपनी आशीषों से उन्होंने मुझे तृप्त किया प्रियो. And then started to use me. उसके बाद सेवा में काम में लाना शुरू किया. And through me today millions are blessed. और आज मेरे द्वारा से लाखों जो हैं आशीषित हो रहे हैं. This I say for the glory of God. ये सब मैं परमेश्वर की महिमा के लिए कह रही हूँ. And through me, a dear sister called Helen Kumar also blessed today. और आज एक बहन है हेलन कुमार जो मेरी सेवकाई के द्वारा आशीषित हुई. She is also blessed through my ministry. मेरी सेवकाई के द्वारा वो भी आशीषित हुई हैं. Shall we see quickly how the Lord blessed them? आइए हम जल्दी से देखें कि परमेश्वर ने उन्हें कैसे आशीषित किया. मेरा नाम है हेलन कुमार. मेरा पत्नी का नाम है सुधामणि. हम लोग एक अच्छा और सम्मानित जीवन व्यतीत कर रहे हैं. हमारी शादी 2004 में हुई थी. जब हमारी शादी हुई सुधामणि पढ़ाई कर रही थी, इसलिए हमने सोचा कि उसके पढ़ाई खत्म होने के बाद ही हम बच्चा लेंगे. बाद में जब हम चाहते थे कि हमको बच्चा हो, हमें बहुत ही परेशानी हुई और हमारा जीवन दुख से भर गया जब हमने ये जाना कि मेरे पत्नी गर्भधारण नहीं कर पा रही है. हमने बहुत ही कोशिश की, सालों साल बीत गए, लेकिन हमारी सारी मेहनत, दवाई और इलाज व्यर्थ हो गया. इस दरमियान हमने अपने शहर में छोटा सा एक स्कूल चलाते थे और हमारे पड़ोसी अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए हमारे पास लाते थे. इन नन्हे मुन्ने बच्चों के चेहरों को देखकर और उनकी भोली भाली गतिविधियों को देखकर मेरी पत्नी बहुत ही ललायित होती थी और उसका हृदय दुख से भर जाता था. आखिर में कई वर्षों तक डॉक्टर से इलाज कराने के बाद एक बार जब उसने गर्भधारण किया और 2 महीने हो गए तो हमारे खुशी का कोई ठिकाना ना रहा. लेकिन दुर्भाग्य से 4वें महीने में उसका गर्भपात हो गया और उसके बाद हम पूरी तरह से टूट गए और मेरी पत्नी अवसाद में चली गई. और ऐसी स्थिति में किसी व्यक्तिगत काम को लेकर मैं गुंटूर गया हुआ था, जहाँ मुझे पता चला कि
जीसस कॉल्स प्रेयर फेस्टिवल के कार्यक्रम चालू है। बड़े ही आशा और उम्मीद के साथ हमने उसमें भाग लिया। उस मीटिंग के दरमियान जब बहन इवंजेलिन पॉल दिनाकरन निसंतान बहनों के लिए प्रार्थना कर रही थी, గర్భసంచిలో ప్రభు నుండి మనకి బలము కలుగును గాక బిడ్డని మోయినట్లుగా సహాయం చేయండి యేసు వారిని బలపరచండి టు గివ్ ఎ బ్లెస్సింగ్ నన్ను ఆశీర్వాదం ఇచ్చుటకు मेरी पत्नी सुधामणि को अचानक ऐसा लगा कि सफेद वस्त्र पहने हुए एक व्यक्ति उसके पास से गुजरा। उसके अपने मन में एक अलग सा एहसास हुआ और बहन इवंजेलिन पॉल दिनाकरन की तर्स से भरी प्रार्थना से बहुत ही ज्यादा आनंदित हो गई और उनका हृदय भर आया। परमेश्वर ने बड़ी दया से 2 महीने के बाद ही ऐसा अनुग्रह किया कि मेरी पत्नी सुधामणि ने गर्भधारण किया, बिना किसी दूसरे इलाज के एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया। आज प्रभु ने हमारे शोक को आनंद में बदल दिया है। प्रभु की स्तुति हो। I want to pray for you. अब मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहूंगी। Your hand come upon them, Lord. आपका हाथ उनके ऊपर आ जाए प्रभु जी। Let them be healed. वे चंगे हो जाएं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Get ready to be filled. ओ आत्मा से भरने के लिए तैयार हो जाइए। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु जी। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। The Lord is empowering you tonight. प्रभु आज आपको बलवंत कर रहा है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। यीशु का धन्यवाद। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। इन योर वीकनेस गॉड्स स्ट्रेंथ विल बी परफेक्टेड। आपकी कमजोरी में ईश्वर की सामर्थ्य सिद्ध होगी। ही इज स्ट्रेंथनिंग यू राइट नाउ। वो अभी आपको बलवंत कर रहा है। यू इविल स्पिरिट। ओ दुष्ट आत्माओं। दैट इज टेकिंग अवे देयर जॉय। जो उनके आनंद को हर रहे हैं। Lead them right now. आप उन्हें अभी छोड़ दो। You evil spirit who is putting fear in their hearts. जो दुष्ट आत्मा उनके हृदयों में भय ला रही है। Leave in Jesus name. यीशु के नाम से उन्हें छोड़कर चले जाओ। Thank you Jesus. धन्यवाद यीशु। For delivering your people. अपने लोगों को छुटकारा देने के लिए। From now on things are going to be different. अब से लेकर के चीजें बिल्कुल फर्क होंगी प्रियो। The Lord is changing your lives. परमेश्वर आपके जीवनों को बदल रहा है। To prosperity. हर एक गरीबी से अब संपन्नता पे ले जा रहा है। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु जी। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Bless them, Lord. उन्हें आशीष दे पिता। Bless your people, Lord. अपने लोगों को आशीष दे प्रभु जी। There should be no lacking in their lives. उनके जीवन में कोई घटी ना हो। Give them a job. आप उन्हें एक नौकरी दे। Give them a home. उन्हें एक घर दे। Give them a life partner. उन्हें एक जीवन साथी दे। Give them a child. उन्हें एक संतान दे। Bless them, Lord. उन्हें आशीष प्रभु। Bless them today. आज ही उन्हें आशीष दे। Let them receive your abundance. वे आपकी भरपूरी को पाएं। Thank you, Jesus. Shall we all believe God and give glory to God? आइए हम परमेश्वर पर विश्वास करके सारी महिमा उसे दें। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। You are receiving God's blessings. आप परमेश्वर की आशीषों को पा रहे हैं प्रियो। The Lord is touching the uteruses of young sisters. जवान बहनों के गर्भ को परमेश्वर छू रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु जी। द लॉर्ड्स हीलिंग पावर इज कमिंग अपॉन यू। प्रभु की चंगाई की सामर्थ्य आप पर उतर रही है। टच देम एंड हील देम लॉर्ड। ओ प्रभु ने छू कर के चंगा करे। लेट एवरी आई सी। हर एक आंख देखने लगे। लेट एवरी ब्लाइंड आई ओपन इन जीसस नेम। यीशु के नाम से हर एक अंधी आंख खुल जाए। लेट एवरी ईयर हियर इन जीसस नेम। यीशु के नाम से हर एक कान सुनने लगे। टच देम लॉर्ड। प्रभु ने छू ले। Touch them, Lord. उन्हें छूना प्रभु जी। Sprinkle your blood upon them, Lord. मैं आपके लहू को उन पर छिड़कती हूँ प्रभु जी। Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Touch the sick people, let them be healed. रोगियों को छूले वो चंगे हो जाए। Every sickness be healed. हर एक रोग जो है ठीक हो जाए। Be healed.
चंगे हो जा। Every captive be set free। हर एक जो बंधन में है वो आजाद हो जाए। बंदी लो। In Jesus name। यीशु के नाम में। Touch them Lord। उन्हें छुले प्रभु जी। Touch them Lord। छुले प्रभु जी। And heal them Master। और उन्हें आप प्रभु जी चंगाई दे। Heal them Lord। उन्हें चंगाई दे प्रभु। Thank you Father। धन्यवाद पिताजी। For granting all their heart's desire। उनके हृदय की एक एक इच्छा को पूरी करने के लिए Lord, धन्यवाद। Touch their bones and heal them। प्रभु जी उनके हड्डियों को छू करके चंगाई कर दे। Let every weak bone receive your strength। उन्हें दे कि हर एक हड्डी अभी आपके ताकत को पाए। Thank you Jesus। धन्यवाद यीशु। Thank you Jesus। धन्यवाद यीशु। Let every weakness leave their bodies। हर एक कमजोरी उनके शरीरों को छोड़कर चली जाए। Thank you Lord। धन्यवाद प्रभु जी। Thank you Jesus। धन्यवाद प्रभु जी। Continue to do miracle। प्रभु जी आप अपने चमत्कारों को करते रहे। Come on, give glory to God। चलिए परमेश्वर को तालियों के साथ महिमा दीजिए। प्रभु को महिमा दीजिए प्रियो। Thank you Jesus। यीशु धन्यवाद। Thank you Jesus। धन्यवाद यीशु।